हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन होंगे। टॉपिक होगा जीके से, जीएस से और साइंस से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्ला ने। देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, फराजी, जिसको हम लोग को फराइजी आंदोलन भी कहते हैं, ये हुआ था 1838 और 57 के बीच में, ठीक है। और इसका प्रारंभ किसने किया था, हाजी शरियतुल्ला द्वारा बंगाल में किया गया था। और जो इसके प्रचार प्रसार में शरियतुल्ला के पुत्र, ये इनका नाम है मोहम्मद मोहसिन, का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। और ये फराजी आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। और यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने और ज़मींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध में था। टाइम पीरियड आपको याद रख लेना है। और इसमें शुरुआत किसने की थी फरेजी आंदोलन की, हाजी शरियतुल्ला ने। बाद में इनके बेटे, जिनका नाम है मोहम्मद मोहसिन, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। मोहम्मद मोहसिन को हम लोग दादू मियाँ के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इजी भी है, इसका आंसर आपको आता ही होगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये शिक्षक थे, व्यापारी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, 1868, 1881, 1885, 1893। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य था व्यापक किसान विद्रोह के परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, व्यापक किसान विद्रोह के परिणाम स्वरूप जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकार को परिभाषित करना था, ठीक है। इसका एम यही था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बिहार से संबंधित है बट फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बना था 1912 में। अगर आपको एग्जैक्टली डेट पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है 22 मार्च 1912 में जो है बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, 1916 में, दौरान जो है रामकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। चंपारण आंदोलन का टाइम पीरियड आपको याद रख लेना है, ये है 1917-18, ठीक है। ये था टाइम पीरियड, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चंपारण है कहाँ पर, ये है बिहार में। अगला प्रश्न आपके सामने, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पताका किसने फहराई थी। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कौन सा है, देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा
हंगरी, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये एक देश है। मिडिल यूरोप के पैनोनियन बेसिन में स्थित हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है और ये अल्पास पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है, अल्पास माउंटेन रेंज से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है हंगरी की, बुडापेस्ट। और सबसे बड़ा जो नगर है, सिटी है हंगरी का, वो भी क्या है, बुडापेस्ट है। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद होनी चाहिए। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और लास्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर आप लोग ज़रूर दिया करिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मदागास्कर या सुमात्रा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्नियो, ठीक है। देखिए वैसे बात की जाए तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है वो क्या है, ग्रीनलैंड है। मगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है तो बोर्नियो जो है सबसे बड़ा है, और ओवरऑल बात की जाए तो कौन सा है, ये है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैम्पास, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, आपको एडिशनल फैक्ट आपको बताना चाहिए। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, केप टाउन कहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में है, ये आदि स्थानों पर पाई जाती हैं, जबकि पैम्पास ये शीतोड़ घास के मैदान है, ठीक है। और ये है कहाँ पर, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में हैं ये लोग, ये फैले हुए हैं। और जो है कहाँ पर, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। यहाँ पर पैम्पास शीतोड़ घास के मैदान है, इनका विस्तार मैंने आपको बताया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, तो ये कौन है, मैंने आपको बताया, ये है चीन। चीन के बारे में तीन चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, चीन के कैपिटल क्या है, बीजिंग है, और यहाँ की जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है, और इसका बड़ा नगर कौन सा है, यह है शंघाई। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो चीन दुनिया का नंबर पहला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, नंबर वन रैंक आती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो। और दूसरा रैंक क्या आता है विश्व में रेशम के उत्पादन में, तो यह है भारत, और पॉपुलेशन में भी चीन के बाद भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए को छोड़कर के यहाँ पे पूछा गया है, तो ये है कौन, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है, मिडल एशिया का ये आपका, सॉरी वेस्ट एशिया का एक कंट्री है साउथ अरेबिया, और रियाद है यहाँ की कैपिटल, ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का जो अंश नहीं है, पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए जो भुवन पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे मेघालय पठार का अंश है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जोजिला, रोहतांग, खैबर या नाथुला। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। और नाथुला दर्रा है कहाँ पर, ये है सिक्किम में, ये भी आपको याद कर लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, करेवास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है ये कहाँ पाई जाती है। जाफरान क्या है, केसर का एक स्थानीय प्रकार, ये कहाँ पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में, ठीक है, कश्मीर हिमालय में, ठीक है। जाफरान को केसर का एक प्रकार है, इसको आप लोग केसर भी कह सकते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, यानी कि थिंक टैंक है, तो नीति का आपका फुल फॉर्म पूछा गया, तो आसान प्रश्न है, आपको बताया कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं और वाइस चेयरमैन आपसे पूछा जाता है, तो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? आसान प्रश्न है, 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। इसके बारे में आप कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा में वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार। और आपको पता है आसान प्रश्न है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान देना है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तांबा, लौह अयस्क, जिप्सम या चादरी अभ्रक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चादरी अभ्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शीट मीका, ठीक है। शीट मीका के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है और तांबा उत्पादन में चिली का स्थान प्रथम आता है। तांबा याद कर लीजिएगा, उसमें चिली फर्स्ट है। चिली आपको बताना है कि चिली किस कॉन्टिनेंट में देश आता है, ठीक है, ये आप लोग बता सकते हैं। और जिप्सम और लौह उत्पादक में इसमें जो है चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। तांबा, चिली, लौह अयस्क, जिप्सम चाइना, चाइना और यहाँ पर चादरी अभ्रक इंडिया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, 1912 में, ठीक है, 1912 में। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या भारत के महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ठीक है। किस आर्टिकल में बात की गई भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के पार्ट 2 के का में या सब पार्ट में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितनी है, 35 है, और 35 का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 53 होता है और 53 से पहले 52 आता है। तो आर्टिकल 53 और 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया भी गया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और आसान प्रश्न है ये और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा की बात हो रही है तो इसका अध्यक्ष किसके द्वारा बताया जाता है, चुना जाता है, ये है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा होती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष या समझ जाइए मैक्सिमम 62 वर्ष की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? आसान प्रश्न, मैंने आपको हमेशा डिस्कस किया, अगर बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए और राज्यसभा की बात की जाए तो 30 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के बारे में अभी जो मैंने एडिशनल फैक्ट आपको बताया है वो सारे फैक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, प्लस आपको आप जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में आपसे 5 और क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अनुच्छेद 330 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान
किया गया। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मैंने लिस्ट बना रखी है। देखिए लोकसभा में एस सी एस टी, ये आर्टिकल 330 में बताया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु आरक्षण, ये अनुच्छेद 331 में कहा गया है। विधानसभा में एस सी एस टी के आरक्षण के लिए, विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे 332 है, और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु आरक्षण ये 333 में बताया गया है। 30, 31, 32, 33, पहले लोकसभा के एस सी एस टी, देन आंग्ल भारतीय, फिर विधानसभा के एस टी एस सी और देन आंग्ल समुदाय, ये सभी आपको अच्छे से एकदम रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या है सही है, कौन सा सही है। तो बी वाला आपका सबका सही है, संसद का हिस्सा होते हैं। देखिए संसद के में कौन कौन आता है, एक होते हैं लोकसभा आता है, राज्यसभा आते हैं, प्लस प्रेसिडेंट भी आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में बात बताई गई है, तो ये बताई गई है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये बताई गई किस में, आर्टिकल 40 में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो आसान प्रश्न है ये, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, झारखंड खनिज संस्थानों से संपन्न राज्य है, इसलिए इसे भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था, किस वर्ष में किया था, आपको ये बताना है। तो ये पहली बात, तो इस क्वेश्चन आपको मैं इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और उनके संबंध के सुझाव देने के लिए किया गया था, और इसके बाद जो है, बट बात की जाए इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी, तो ये इनकी रिपोर्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कब जारी की गई थी, रिपोर्ट जारी की गई थी 1988 में, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। गठन तो हुआ था 1983 में, बट रिपोर्ट इन्होंने कब सौंपी थी, 1988 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, आसान प्रश्न है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 380, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इस बारे में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इस बारे में बताया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये बताया गया है। नेक्स्ट है, पूरा जिसका फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, इसका प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, आपके सामने चार ऑप्शन है, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल किशोर द्वानी या राजीव गांधी, और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऐसा पूछते हैं तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, तो वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा, तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ना ही उर्जित पटेल है, ना ही रघुराम राजन है, शांता कुमार भी नहीं है, ललित डी गुप्ते भी नहीं, इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास, ठीक है, 25वें हैं ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। देखिए मनरेगा, इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को इसको जो 2 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उपलब्ध कराना,
जिससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, ये सभी ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ई होगा इसका आंसर, बट मैं आपको आंसर बता देती हूँ एक्चुअली है क्या इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना जिससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके। इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ हैं? मैंने आपको बताया था नीति आयोग के फुल फॉर्म बताया था, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तो फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ठीक है, बगावत नहीं की ये पूछा है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसने किसने बगावत की थी। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला दिया हुआ है विजयनगरम के राजा, इन्होंने बगावत की थी। तमिलनाडु के पोलिगार ने भी बगावत की थी, त्रावणकोर के दीवान ने भी की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने ये बगावत नहीं की थी। तो ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देख गले में कुछ प्रॉब्लम है तो इसीलिए वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नील विद्रोह किसके बारे में था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, नील विद्रोह किस बारे में था, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। तो ये था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर ज़बरदस्ती ये खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? नहीं था ये पूछा है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, द हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, बंगाली भी था, द महरत्ता भी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। प्रश्न, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उस समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, व्यक्तित्व सत्याग्रह, और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1919 की बात है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीएच वैल्यू पूछा है, निम्न में से किसकी मान पीएच जो है 7 होता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो पीएच वैल्यू 7 होती है किसकी? ये होती है आपकी, देखिए, शुद्ध जल और उदासीन विलय दोनों की, यानी कि शुद्ध जल और इधर उदासीन विलय, इनका जो है वैल्यू 7 होती है, तो आपका जो है दोनों ही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए, जिस जब 7 से कम होती है पीएच की वैल्यू, तो वो सारे क्या पदार्थ जो है क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, और 7 से अधिक होती है तो वो क्षारीय हो जाते हैं, और जब 7 ही रहती है तो वो न्यूट्रल रहता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता ये आपसे पूछा है, तो देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग, तो एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? आपकी जो है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की है ये। आवृत्ति को नापा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में ये नापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ मैं आपसे एडिशनल फैक्ट बताने वाली हूँ। देखिए, वर्ष 1860 के दशक में जोहान फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। किसने? जोहान फ्रेडरिक मिशर ने इसी खोज की थी, और जोहान ने इनका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन दिया था नाम। उसके बाद 1881 में अल्बर्ट कोसेल ने न्यूक्लियन के नाम से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए रखा था, और 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को का नाम जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। तो इसी खोज के लिए उनको जो है किसको, फ्रांसिस क्रिक को और जेम्स वॉटसन को जो है 1962 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया था। तो इसमें आपसे ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कि किसने किया, सभी का इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें दिया हुआ है, बट वैसे अगर बात की जाए तो फ्रेडरिक मिशर होंगे। ठीक है,
तो आपको इस फैक्ट को फिर से आप लोग सुन लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्राई गर्ल्स राइड क्या है? ट्राई गर्ल्स राइड क्या है? तो ये होता है एक वसा, ठीक है, वसा है ये। ईईजी किसकी निगरानी के लिए इसका उपयोग होता है? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ठीक है, तो ये होता है किसके लिए? ये होता है मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए। वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए की खोज किसने की थी? तो वैसे तो खोज की थी जोहान फ्रेडरिक मिशर ने, बट बाद में जो लोग थे, जो जो मैंने आपको नाम बताया, वो नाम चेंज करते गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या मेडुला। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन आपको बताना है चुन करके। तो मैं विदाउट टाइम डिले मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉट, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर टोटल उन्होंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें से मैंने आपको बताया जीके, जीएस और साइंस से। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है कितना परसेंट पानी? आपको बताना है लगभग 70%, 80% या 60%। मानव शरीर में पानी लगभग कितना होता है अप्रॉक्स? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल जोड़ करके वहाँ से प्रोवाइड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।